मेरे अति प्रियो, नए महीने की पहले दिन में आए ना, आप सोचे होंगे इस महीना में परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा रखे होंगे, क्या आशीष हमारे लिए, क्या वादा वो देता है। प्रभु आपसे कहना चाहता है, योएल दूसरा अध्याय की 26 वचन में, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रभु आपसे कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। इस महीना में परमेश्वर आपके सारे कार्यों में आपको लज्जित नहीं होने देंगे, आपकी आशा नहीं टूटेगी। शायद आप सोचे होंगे, मैंने और लोगों के सामने कह दिया मेरा परमेश्वर मेरे साथ में और मेरे सारे कार्यों में सफलता को देगा करके आपने सबसे कह दिया है, सबके सामने तो मैंने कह दिया मुंह खोल के, लेकिन सारे परिस्थिति को देखने के समय लगता है मुझको मेरे काम में सफलता नहीं मिलेगा करके आप सोच रहे हैं ना। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर कहता है तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, और वो कहता है दुस्तरा के बीच में और सारे लोगों के बीच में आपको लगता है मेरे सिर झुक जाएगा, मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तेरी आशा को कभी टूटने नहीं दूंगा। चारों तरफ में, समाज में और सब लोगों के बीच में मैं तेरे लिए अद्भुत काम को करूंगा। आपको लगता है मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरा सर झुक जाएगा, नहीं, आपकी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर दोगुने आशीष को देगा। एक बार एक परिवार वाले बहुत दुख के साथ मुझसे मिलने आए, आके कहने लगे मेरे बेटी की शादी को तय किए, लेकिन अचानक घर वाले वो लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। देखिए मसीह परिवार जो वचन के अनुसार चलने वाले, वो परमेश्वर के विरोध में ऐसे दहेज मांगे, इसलिए शादी रुकने पर है। दुख के साथ वो कहने लगे, उन्होंने कहा जितने भी पैसे हाथ में थे सारे पैसे को हमने सारे घर वाला को दे दिए, दुल्हा वाला को दे दिए, इससे ज्यादा पैसा नहीं, आगे क्या करेंगे। मैंने कहा आप शादी को रोक दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा सबको हमने सूचना दे दिया है, सब लोगों के सामने हमारा सिर जो है झुक जाएगा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर आपके सिर को झुकने नहीं देंगे, आपकी आशा को कभी भी टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर कभी भी आपको सिर को झुकने नहीं देंगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे, ऐसे मैंने कहा। उन्होंने कह दिया ठीक है, जैसे दुल्हा वाला कह रहे हैं शादी को हम लोग रोक देंगे करके, उन्हीं के कहने के अनुसार कह रहे हैं आप रोक दीजिए। सब दुल्हा वालों को कहा भेज दिए हैं शादी को आप रोक दीजिए, हम सारे पास पैसा नहीं है। क्या परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, दूसरे घर वालों को लाया, उन्होंने कहा आपके बेटी को सिर्फ दीजिए, पैसा नहीं चाहिए। उसी के तारीख में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको उस बेटी को सुंदर लड़के से शादी करने के लिए प्रभु चमत्कार किया। क्या प्रभु छोड़ दिया? आपके जीवन में भी आप डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके सिर को जो है ऊंचा करेगा, आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। क्या आज अर्पणता के साथ प्रभु से हम बोध से विनती करेंगे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी आशा, हमारी आशा कभी भी प्रभु टूटने नहीं देता, हमारा सिर को तू ऊंचा करता है, जहां हमें शर्मिंदा होना पड़ा वहां हमारा सिर को ऊंचा करके तू अद्भुत काम करता है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन।